अरे बड़े आदमी, कैसा लग रहा है? 30 मिनट में जयपुर से दिल्ली आ गए हैं। मैंने कान पकड़ लिए, मैं ना जाऊंगा आजकल फ्लाइट से कभी भी कहीं भी। मैं कहने को है 30 मिनट की फ्लाइट, ये तो कोई ना बताता है कि 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी सारी चेकिंग होगी, उसके बाद 2 घंटे तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा बैग आ रहा है दिल्ली से जयपुर, वही पड़े पूरे 5 घंटे हमें तो, और फालतू की अंबर सीमेंट फेस करनी पड़ी वो अलग। अंबर सीमेंट क्यों भाई, किस बात की? अरे मुझे ना पता है कि इतनी ज्यादा चेकिंग हो एयरपोर्ट पे, जूते उतरवा के चेकिंग करिए बता। अब मैंने दोनों पैरों में अलग रंग के मोजे पहने हुए, एक अंगूठे पर से फटा हुआ एक मोजा मेरा, सब देख के हंस रहे, और एक ने तो टिकटॉक भी बना ली। चल कोई बात ना, तेरा फर्स्ट टाइम था, और तो कोई दिक्कत ना हुई ना तुझे? अरे सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत हुई है मुझे तो। ये कोई रेलवे स्टेशन तो है ना कि बिना टिकट के घुस जाओ कोई ना रोकेगा। यहाँ जाते सबसे पहले वो मांग रहे हैं कि बोर्ड पास दिखाओ। अरे हम 8वीं फेल है, कहाँ से दिखाते हैं अपना बोर्ड पास? अरे अनपढ़ आदमी को बोर्डिंग पास होता है, फ्लाइट में चढ़ने के टिकट, तेरा 10वीं का सर्टिफिकेट ना मांग रहे हो? इतनी बात तो सुनैना मैडम से पूछ लेता, बता दे तुझे। उनका तो नाम भी मत ले, वो तो एयरपोर्ट पहुंचते सीधे बार में घुस गई, मैं वहाँ अकेला परेशान हो रहा हूँ। अब ये कोई रेलवे स्टेशन तो है ना कि एक ऐसे फुट ओवर ब्रिज से सारे प्लेटफॉर्म दिखाई दे जाएंगे, यहाँ तो एक गेट इधर एक गेट इधर, मैं भूखे पेट परेशान घूम रहा हूँ यहाँ से वहाँ ढूंढते हुए। कुछ खा भी लेता बेटा? ये रेलवे स्टेशन ना है कि वहाँ 15 रुपए की चनार थाली मिल जाएगी, यहाँ पे समोसा भी 80 रुपए का है। पता ना क्या वो पायलट खुद आके फ्राई करके जा रहा है जो इतना महंगा बेच रहे हैं। अबे तो मैंने तो सुना वहाँ इतने बड़े बड़े टीवी होते हैं, किसी का रिमोट मांग के क्राइम पेट्रोल सीआईडी देख लेता। चालो रहोगे तो अनपढ़ ही ना, वो टीवी एलईडी स्क्रीन कैमरे उन्हें, वहाँ भी वही केजरीवाल चिपका हुआ कि पानी ना जमा होने दे, मच्छर मारे, डेंगू फैलने से बचे। अरे पानी से ज्यादा ही पानी वानी की सुविधा तो बढ़िया होगी उधर, ठंडा एकदम चिल्ड। पानी भी मुझे रेलवे स्टेशन पे से लगे, वहाँ टंकियाँ लीक होती रहे, आदमी ओक लगा के पी तो लेगा, यहाँ पे तो ऐसी टंकी है ये समझ नहीं आ रही कि ऑन कैसे होगी ऑफ कैसे होगी। एक आदमी से ऑन कर पाई तो फिर पानी ऐसे करके निकल रहा है लग रहा किसी का मुंह पी रहे हो। एयरपोर्ट का छोड़, फ्लाइट में तो मजा आया होगा तुझे, एयर होस्टेस कैसी? खड़ूस एकदम, ऐसे लग रहा है मेरे स्कूल की मैडम हो, पूरे फ्लाइट मुझे डांटती हुई गई है कि अब बेल्ट बांध लो, अब बेल्ट हटा लो, अब कुर्सी सीधी कर लो, अब कुर्सी टेढ़ी कर लो। पैसे मेरी कंपनी ने दिए फ्लाइट के, उसने दिए, इतना रॉब किस बात का दिखा रही है? अच्छा सर, खाना तो बढ़िया दिया होगा तुझे फ्लाइट में? अरे भूखा मार दिया, पहले एयर होस्टेस ने खुद कही है कि अब कुछ देर में आपके लिए जलपान की सुविधा शुरू की जाएगी, मैं तो खुश होगा, कैसा ही है भैया यहाँ पे फ्री का पान खाने को मिल जाएगा, बाजार में तो इतना महंगा मिले तो। मैंने कहा मैडम एक फायर पान ले आओ, मुझे ऐसा घूर कर देख रही है जैसे मैंने कितनी बेवकूफों वाली बात कर दी हो। कमाल है यार, और वो उल्टी का क्या हिसाब रहता होगा? अरे वो थैली सी पकड़ा दी कि इसके अंदर करो उल्टी। हम तो बस ट्रेन में चलने वाले यार, हमें तो वही याद होता है कि खिड़की से बाहर निकल के उल्टी करेंगे, पर ना यहाँ कह रहे हैं थैली में पकड़ाओ, इतनी महंगी टिकट है, उसके बाद भी हक के धोने के लिए पानी नहीं है बाथरूम में, और टिश्यू दे रखे हैं, मेरे पेट में गैस बनती रही पर मैंने यूज ना करा बाथरूम। अरे तो वो कर लेता ना, मैंने तुझे योगासन ना सिखाया था ऐसा पेट ऊपर करके। ये कोई ट्रेन ना है कि साइड वाली सीट पर कोई ना बैठा तो तुम अपने पैर सीधे कर लो, यहाँ इतनी सी कुर्सी मिला उसी के अंदर फंस के बैठना हो तुम्हें, और उसमें भी ये ना कि साइड वाले से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, सब साले कान में ईयरफोन लगा के और ऐसे मैगजीने पढ़ने में लगे हुए। मैं समझ गया, हवाई जहाज तो यार अच्छा हो मैं ना गया, और अच्छा हुआ डीडीएलजे पिक्चर में शाहरुख खान ने ट्रेन से सफर किया, हवाई जहाज से कर रहे होते सिमरन लेट हो रही होती, बेचारा हाथ देख रहा हो भी ना पाता, इतना बढ़िया सुपर हिट सीन बन ही ना पाता। राजू। यस मैम। तुम देयर्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, लास्ट टाइम तुम काफ़ी अपसेट थे दैट आई टुक हिम इंस्टेड ऑफ यू टू जयपुर, अगले हफ्ते मैं फिर जा रही हूँ और इस बार तुम मेरे साथ चलो, कर लो तैयारी। आई डोंट वांट टू गो मैम, नहीं जाना मुझे। अरे क्यों आई डोंट वांट टू गो, साले एक बार जाके तो देख क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। अरे भाई पागल हो रहा तू, तेरे साथ इतनी जाती हुई है तो सब मेरे साथ कितनी होगी, मैं ना जाऊंगा यार। क्यों? अरे मेरा नाम मोहम्मद राजू है साले, इन्होंने शाहरुख खान ना छोड़ा मुझे तब, फिर मैं ना जाऊंगा यार, मैं ना जाऊंगा। हे गाइस, हिट लाइक फॉर ट्रेन और प्लेन के लिए कमेंट में कर दो, बता दो। अबे इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है, ट्रैवल तो थोड़े दिन में शुरू हो ही जाएगा, पूरी तरह से पार्शियली तो शुरू हो ही गया ऑलरेडी। हे राजू, मैं ट्रैवल के लिए दुखी रहा हूँ यार, मैं बच्चों के लिए दुखी हो रहा हूँ, सोच हमने कितने बचपन में उधम काटे थे स्कूल में, और अब के बच्चे बेचारे घरों में बंद हो गए यार। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया, तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप स्कूल जाना मिस कर रहे हो या स्कूल के नॉस्टैल्जिया को हिट कर रहे हो तो हमारा अगला एपिसोड उसी के बारे में है, प्राइवेट स्कूल बढ़िया है कि गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है, तो जाके उसे चेकआउट करो। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले रुक के सब्सक्राइब कर लो और फिर बिंजिंग अपनी कंटिन्यू करो।